हाई ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल. सो आज मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ एक न्यू सीरीज विच इज़ फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो काफ़ी लोग कॉलेज में इसको काओ बोलते हैं, दैट इज़ CAO, और कुछ लोग COA बोलते हैं. सो आप इसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बोलो या कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सो दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी टेक्निकल, बहुत टेक्निकल है, क्योंकि ये एक्चुअली में आपके हार्डवेयर सर्किट्स और इनसाइड द कंप्यूटर आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कैसे काम करता है, हार्ड वायर्ड चीज़ें कैसे चलती हैं, प्रोग्राम्स जो हैं बेसिक असेंबली लैंग्वेज के वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में ये कोर्स होता है. सो दिस इज़ वेरी मच यू नो रिगार्डिंग द लो लेवल थिंग इन योर कंप्यूटर्स, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है और काफ़ी अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत भी होती है. दिस इज़ यूजुअली सब्जेक्ट इन BCA एंड BTech डिग्रीज. तो अगर आप BTech इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो या आप बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये आपको एज अ सब्जेक्ट आएगा 400 मार्क्स, जिसमें आपको इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा. मॉरिस मेनो की जो बुक है वो मोस्टली कॉलेजेस रेफर करते हैं करने को, मैंने भी उसी से पढ़ा था. सो मोस्टली वही बुक रेफर होती है, तो दैट इज़ द बुक विच यू हैव टू बाय. और इस कोर्स में मतलब आज जो मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ द डिटेल सिलेबस जो यूजुअली BCA में फॉलो किया जाता है फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर. ठीक है, सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर हम BCA के अंडर देखें तो क्या क्या सिलेबस फॉलो होता है. आपकी जो मॉरिस मेनो वाली बुक है उसमें अराउंड 13 चैप्टर्स हैं, पर सारे चैप्टर्स नहीं करने होते आपको. सो यू हैव टू डू एज पर द सिलेबस कवर्ड. मैं मोस्टली वो टॉपिक्स कराऊंगी जो सारे कॉलेजेस में कवर किए जाते हैं. ठीक है, सो आपकी जो यूनिट 1 है वो शुरू होती है विद बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स. तो इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं कि भाई बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, बेसिक लॉज क्या होती है बूलियन अलजेब्रा की, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, किस तरह से आप उन गेट्स को यूज़ करके लॉजिक सर्किट्स बनाते हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन इक्वेशंस यूजिंग के मैप्स कैसे होती हैं, जिसमें हम सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म करेंगे, उसमें फिर एक स्पेशल चीज़ आ जाती है डोंट केयर कंडीशन, वो कैसे काम करती है. सो यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर जो है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा होगा. ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताते भी रहूँगी. सो बूलियन अलजेब्रा के बाद आ जाता है आपका अरिथमेटिक सर्किट्स. अरिथमेटिक सर्किट्स में आपको एडर सब्ट्रैक्टर, पैरेलल बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर, ये सब कुछ पता होना चाहिए कि ये सर्किट्स कैसे होते हैं. इन सर्किट्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 तरह का होता है, दैट इज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल, और उसमें एक्चुअली वे एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है. क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि बाइनरी में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, आप उसके सर्किट्स कैसे बनाओगे, है ना. सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो, वी विल बी कवरिंग दैट, प्लस हम करेंगे कि उसके हार्डवेयर सर्किट्स कैसे बनते हैं लॉजिक गेट्स को यूज़ करके. सो हम 2 तरह के सर्किट्स पे काम करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स. तो यूनिट 3 इज़ टोटली डेडिकेटेड टू कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें हम डिकोडर्स, इनकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर्स करेंगे. वी विल बी डूइंग मेमोरी बस ऑल्सो लेटर, विच इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स. सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट होती है फ्लिप फ्लॉप. सो वील स्टार्ट विद फ्लिप फ्लॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको यूज़ करके रजिस्टर्स कैसे बनते हैं. अभी आपको ये सारी एलियन टर्म्स लग रही होंगी अगर आपने कंप्यूटर्स में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट कुछ दिन की बात है, वंस यू विल स्टडी दिस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मज़ा आएगा. ठीक है, ऐसे ही यूनिट 3 इज़ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस. देन वी हैव बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, देन इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हमारा पूरा सिलेबस होता है. सो यूजुअली अप टिल चैप्टर 12 आपके सिलेबस में होता है. मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर लास्ट चैप्टर. ठीक है, सो अभी बुक्स का अगर फॉर्मेट चेंज हुआ होगा तो इट इज़ मे बी नाउ दे हैव मेड इट 13. सो पहले वाले वर्जन में दिस वॉज द लास्ट चैप्टर 12, बट नाउ इट्स 13. दैट्स एनी हाउ वट एवर चैप्टर नंबर इट इज़, हमें तो टॉपिक करना है ना. सो वी विल बी डूइंग द टॉपिक्स. अच्छा, सो येस, देखो जैसे इसमें इन्होंने 2 बुक्स के नाम दिए हुए ना, TB1, TB2. सो TB1 इज़ द वन जिसमें हमारे पास मैक्सिमम सिलेबस होता है, मॉरिस मेनो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर. ठीक है, एक और मॉरिस मेनो की बुक मेंशन की हुई है, दैट इज़ डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन. दिस इज़ 2002 एडिशन, मैंने जो पढ़ी है दैट इज़ 1999. ये जो चैप्टर्स हैं यहाँ पर गिवन है एज पर द बुक. सो मोस्टली चैप्टर्स आर फ्रॉम TB1, फ्यू चैप्टर्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स टू. सो जो भी बुक रिक्वायर्ड होगी वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी रेफरेंस बुक आप चाहो तो ले सकते हो, मेरे हिसाब से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. सो मॉरिस मेनो इज़ सफिशियंट फॉर इट. ठीक है, बाकी जो मैं पढ़ाऊंगी उसके नोट्स बनाते जाओ साथ में, तो आपको वैसे ही कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, नाउ
अब ये कोर्स कैसे रहेगा, क्या ये लाइव होने वाला है या ये रिकॉर्डेड होने वाला है। तो YouTube पे आपको इसकी मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑन दिस चैनल। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको BCA से रिलेटेड सिर्फ ये चीज़ नहीं, बल्कि BCA BTech के जितने सब्जेक्ट्स मैं कराती हूँ वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम C++ लाइव कर रहे हैं। C++ इज़ अनदर सब्जेक्ट जो आपको इस सेमेस्टर में होता है, सो वो हम लाइव कर रहे हैं। इसकी आपकी हफ्ते में एक लाइव क्लास होगी, लेकिन वो लाइव क्लास आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब आप ये वाली साइट पे जाएंगे, दैट इज़ www.alcoders.co.in। सो यहाँ पर आप जाएंगे, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी शुरू की है, इस पर बहुत काम बाकी है, बट वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट। सो यहाँ पर अगर आप व्यू ऑल कोर्सेज पे जाते हो तो इसके अंदर अभी ये आपको तीन चीज़ें दिखा रहा है, जिसमें से C++ का कोर्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तीन क्लासेस हो चुके हैं, ये लाइव क्लासेस होते हैं इसमें। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आपको जाके इसको सीधे एनरोल करना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको जो वीडियो YouTube पे अपलोड होगी वो वीडियो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। सो द वीडियो विल बी अवेलेबल एट बोथ द प्लेसेस। सो दोनों जगह पर आपको वीडियो अवेलेबल होगी, लेकिन व्हाट एल्स यू विल गेट एक्स्ट्रा ओवर हियर, क्योंकि इसका प्राइस है तो यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो मॉरिस मेनॉक की बुक के बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, जिसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, या जो आपके PYQs हैं एज पर IP यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस भी मैं बीच में ऐड कर दूंगी, पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के PYQs मेरे पास हैं। सो आई विल बी सॉल्विंग दोज PYQs, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू सॉल्व। एंड इसमें वीक में एक लाइव क्लास होगी जिसमें आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। सो वट एवर डाउट्स यू हैव यू कैन आस्क मी इन दैट वन लाइव क्लास, क्योंकि कई बार होता है कि रिकॉर्डेड में आपने सुन तो लिया बट कुछ पूछना रह गया, एंड यू वॉन्ट कि आप वो चीज़ मुझे कहना चाहते हो कि मैम इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर दो, या मैम ये ठीक से समझ नहीं आया इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू कंडक्ट वन लाइव क्लास ओवर हियर वंस अ वीक, वेर यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स। बट दिस इज़ फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई हैव टू स्पेंड फॉर द वेयर एंड टेयर ऑफ द वेबसाइट। सो इसलिए जस्ट दिस नॉमिनल प्राइस आई हैव केप्ट हियर, ठीक है। बाकी चैनल की मेम्बरशिप भी आप ले सकते हो, दैट्स जस्ट 100 अ मंथ, ठीक है। ये तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, या अगर आप भी पाइथन और SQL क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो यू कैन टेक दिट एज वेल, क्योंकि इसमें हम पाइथन और इंग्लिश, पाइथन और SQL को प्रैक्टिस करेंगे इन इंग्लिश, मतलब द लैंग्वेज स्पोकन बाय मी विल बी इंग्लिश, राइट। सो या अभी तो यही कोर्सेज हैं, प्लान अभी बहुत कुछ है, देखते हैं धीरे धीरे कैसे शुरू होता है। एंड येस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो इन लाइव सेशन वेरी सून। सो या अभी तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे फोकस करो, तो ये चीज़ें हैं। अगर सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से सारी वीडियोस यहीं पर आएंगी, ठीक है। और अगर आप लाइव क्लास भी लेना चाहते हो अलॉन्ग विद द PYQs, देन टेक दिस कोर्स विच इज़ अवेलेबल ऑन www.alcoders.co.in। सो दैट इज़ इट अबाउट द कोर्स इंट्रोडक्शन। सो आज आपको वीडियो मिल जाएगी ऑन लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे, आई विल ट्राई कि मैं वीक में दो वीडियोस मिनिमम अपलोड करूँ, ज़्यादा हो पाएगा तो ज़्यादा की कोशिश ज़रूर करूँगी, बिकॉज एज यू नो विद जॉब, विद किड्स, विद यूट्यूब एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जितना टाइम निकाल सकती हूँ उतना आप लोगों के लिए ज़रूर निकालूंगी। सो टू वीडियोज मिनिमम आई प्रोमिस, मोर देन दैट आई विल ट्राई। एंड इफ यू वॉन्ट टू अटेंड माई फ्री लेक्चर्स फॉर पाइथन एंड SQL ऑन अनअकैडमी, दिस इज़ माई प्रोफाइल लिंक, तो आप मुझे यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके नोन में कोई भी है जिसको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप बता सकते हैं कि 11th 12th मैं पढ़ाती हूँ IPCS अनअकैडमी पे, और कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कभी भी आपको चाहिए हो तो आप मेरा नाम अंजलि लूथरा या AL Coders यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, all the best, and I hope this semester goes very well. And milte hain next class mein. Bye for now.